उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून में शामदीद हमारे लन स्टूडियो से मैं हूं ऊजम रहा हैदर क्रिकेट वर्ल्ड कप के ज़्यादातर अहम मैचेस अपने अख्तदाम को पहुंच चुके हैं और क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीमों की पोजीशन अब क्लियर हो गई है मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में इस पर मजीद बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के सबक कप्तान आसफ इकबाल और हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट असद अली चौधरी प्रोग्राम में शर्क होने का बहुत बहुत शुक्रिया आसफ वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच की हम लोग पहले बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज्यादातर मैचेस में हम लोग 300 प्लस स्कोर देख रहे हैं और वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट अब बैट्समैन गेम बनता जा रहा है uh, देखें uh, शुरू ही से बैट्समैन गेम था अगर देखा जाए आप लोग जो आते हैं वो ये देखने आते हैं कि कितने चौके छक्के पड़ते हैं खासतौर पर खास लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आई हो फिफ्टी ओवर हो या टी ट्वेंटी अग्रेसिव लेकिन हाँ, लेकिन हाँ लेकिन अब अब कुछ ज़्यादा इसलिए भी हो गया है कि जो नए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो हैवली इन रोड ऑफ बैट्समैन बैट्समैन बॉलर जो है वो दस ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकता वेरस जो बैट्समैन है वो अगर ओपन करता है तो पूरे पचास ओवर खेल सकता है बॉलर के लिए फील्ड रेस्ट्रिक्शन हैं पहले दस ओवर में वो इस, इतने नंबर के फील्डर्स सर्कल में रखना पड़ता है और इससे ज़्यादा बाहर नहीं रख सकता फिर पावर प्ले का भी फैक्टर रहता है पावर प्ले में भी सेम रूल्स अप्लाई करते हैं वेरज बैट्समैन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो पहले ओवर में या पहले दस ओवर में चौके या छक्के नहीं मार सकता तो उस लिहाज से ये काफ़ी है लेकिन आई थिंक इट्स मोर फॉर एंटरटेनमेंट जो लोग एंटरटेन होते हैं वो रन से होते हैं चौके छिक्कों से होते हैं बट हैविंग सेड दैट बाज मैचेस ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लो स्कोरिंग होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं काफ़ी उसमें एक्साइटमेंट रहता है डेढ़ सौ पौने दो सौ रन करके टीम आउट हो जाती है और दूसरे टीम को जो वो रिस्ट्रिक्ट करती है तो वो काफ़ी एक एक्साइटिंग मैच होता है लेकिन बाय एंड राजस आई थिंक यू आर राइट इन एस के इट्स मोर ऑफ अवे बैट्समेंस गेम असद साउथ अफ्रीका का जो गेम है ज़्यादा ये लग रहा है कि वो वन मैन शो पे ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं लेकिन अगर इसमें आज का मैच देखें तो डिविलियर से पहले उनके हाशिम मामला ने फिफ्टी की फिर जो वन डाउन आए उन्होंने स्कोर किया फिफ्टी की तो एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था हालांकि वो डिकॉक जो ओपनर थे उनके वो जल्दी आउट हो गए थे और टीम प्रेशर में जा सकती थी लेकिन बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैचेस में यही टेस्ट होता है कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ हो वो आपको स्टेबलाइज कर दे इनिंग और उसके बाद लेट ऑर्डर पे जो बैट्समैन आ रहा है वो उसको खुलकर अपनी गेम खेलने का मौका मिलना चाहिए तो आज मेरा हाल यही हुआ है कि एक टीम वर्क आपको नज़र आया है उसमें बैटिंग में और वो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि डिविलियर्स के पास पूरा कॉन्फिडेंस था प्लेटफॉर्म था जिससे वो अपने आप को लॉन्च कर सकते थे उनको ये नहीं था कि मैं अचानक आउट हो गया तो स्कोर कम है मतलब लास्ट तीन ओवर्स में उन्होंने जो सत्तर प्लस रन बनाए हैं उस वक्त तो अगर नेक्स्ट बॉल पे भी आउट हो जाते तो 330 थर्टी ऑलरेडी बोर्ड पे था और वो सब इसलिए था कि शुरू के प्लेयर्स और बल्कि हाशिम मामला की 50 टू हंड्रेड परसेंट स्ट्राइक तो टीम वर्क कहूँगा मैं तो इसे जी हाँ आई थिंक बिल्कुल असद राइटली कहें कि इसमें हर किसी ने परफॉर्म किया और अब तो हम सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हैं लेकिन व्हेन यू कम टू द बॉलिंग आप देखें उनका जो स्टार्ट था पहले ही आई थिंक सेकेंड ओवर में क्रिस गेल को आउट कर गए फिर फोर्थ ओवर में सैम्यूल्स को आउट करके और ये दोनों सेंचुरियंस थे मैच बिफोर में और लॉट ऑफ इट वर्स जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस बैटिंग परफॉर्मेंस के ताल्लुक से बात करें तो डिपेंडेंट ऑन गेल एंड सैम्यूल्स था और दोनों बगैर कोई रन कंट्रीब्यूट किए बहुत जल्द आउट हो गए डोंट फगेट हम बात करें साउथ अफ्रीकन टीम की जो बैटिंग में जो मतलब फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट चार सौ रन से ज़्यादा किसी ने बनाए हैं लेकिन उनकी बोलिंग डोंट फॉरगेट इमरान ताहिर एक स्पिनर उन्होंने पांच आउट किए अगेंस्ट आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ लेकिन उनका ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है और सबसे जो ताजुब की बात है बीइंग ए लेग स्पिनर जो नॉर्मली काफ़ी रन देते हैं उनकी इकोनॉमी रेट जो है दैट्स अंडर फाइव विच इज़ यू नो फॉर स्पिनर इट्स अमेजिंग सो आई थिंक साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस आज की जो है खास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट हारने के बाद बहुत सारी टीम्स विल स्टार्ट रियली वन really के उनका जो एक जो टैग लगा हुआ है टीम का चोकर्स का जो अभी वो हट जाएगा वो, वो, श, वो शायद हट जाए वी डोंट नो येट लेकिन इंडिया के खिलाफ जब खेले थे तो इट केम बैक टू तो हॉन्ट देम लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक लॉर्ड्स का टैग हटाने के लिए उनको सेकंड इनिंग्स में परफॉर्म करना पड़ेगा जब <laughs> वो रन <रंग laughs> चेज कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कल मैच है काफी अहम मैच है दोनों जो हैं वो बैलेंस टीम्स हैं लेकिन क्या दोनों टीमें इस मैच को जीत कर और जो दूसरी टीम्स हैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि हम लोग जो हम दोनों में से एक टीम ऐसी है जो सबसे स्ट्रॉग है और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या दूसरी टीमों पे होगा अगर इन दोनों में से कोई एक वो देखें सबसे पहले तो ये जो आपस में मैच खेल रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइवलरी है इनकी और इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन दिस टू टीम्स और थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड का जो है वो ये है कि दे आर प्लेइंग इन न्यूज़ीलैंड तो थोड़ा सा एडवांटेज है ना आई थिंक उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन न्यूज़ीलैंड काफ़ी अच्छा है बट uh, जहाँ तक ताल्लुक uh, इनके क्वालिफाई करने का है उसमें जो टसल होगी ऑबियसली ऑस्ट्रेलिया जो एक पॉइंट लूज कर गए बिकॉज ऑफ उनका बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था इट इट वाज वाज ऑफ ऑफ तो वो एक पॉइंट जो लूज़ किए उसकी वजह से वो सेकंड पोजीशन में uh, अगर ये मैच न्यूजीलैंड को हराते भी हैं तो दे स्टिल यू नो स्टे इन सेकंड पोजीशन लेकिन जो एंड रिजल्ट है दोनों ग्रुप्स का उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दे मस्ट बी वाइंग कि हम नंबर वन पोजिशन पर आए ताकि यू नो दे प्ले द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द बी ग्रूप इंपॉर्टेंट मैच ज़रूर है एंड आई थिंक दोनों टीमों की यही कोशिश हो कि वो जीतें एंड एक एक मोमेंटम होता है यू you नो know, जीतने का एक मोमेंटम होता है विच नो बडी वॉन्ट्स टू लूज और एट द मोमेंट न्यूजीलैंड यकीनी तौर पर उसको तो कैरी कर रही है uh, you know, दे आर कैरिंग एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डूइंग द सेम लेकिन बिकॉज दे यू नो देखिए बांग्लादेश रेंड ऑफ हो गया तो, तो उनको एक थोड़ा सा हिक अप बीच में हुआ बट आई आई स्टिल थिंक एट टू टीम्स मैं आई स्टिल बिलीव जो हमने पहला प्रोग्राम किया था आपके साथ उसमें जो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये तीन प्लस वन ऑफ द सब कॉन्टीनेंटल विल गो इन टू द ऑन द करंट परफार्मेंस जो अभी तक हम देखते आए हैं उसमें वो एशियन टीम लग रहा है कि इंडिया इंडिया ये चारों सेमीफाइनलिस्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच कल होने वाला है इस बारे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉटसन से हमने बात की आइए देखते हैं उनका क्या कहना है uh, look, uh, मेरे ख्याल में अमूमी तौर पर भी मुझे स्कोर करने की जरूरत है पिछले मैच में मैं स्कोर नहीं कर सका था वो बड़ी मायूस कन बात थी और मैं पहली गेंद भी नहीं खेल सका था हर मरतबा ही मेरे लिए जरूरी होता है कि स्कोर करूं। सेलेक्टरों पर मुंहसर है कि वो समझते हैं कि मैं खेलूं। मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं कर रहा हूं मैं कई वर्ल्ड कप खेल चुका हूं मुझे मालूम है कि क्या तो की जाती है मेरी नज़रें अब अगले मैच पर है <ग्ट> मैं जानता हूं कि यहां बहुत नामवाफ़िक हालात हैं यकीनी तौर पर हम यहां फेवरेट भी नहीं हैं यही बात दिलचस्प है कि हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं हमें यहाँ पर खुश नहीं कहा जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अलावा शायक कभी नहीं चाहेंगे कि हम जीतें इस मैच को हारने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है हम एक रोजा क्रिकेट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम भी नई नहीं, नहीं है और यहाँ उनके अपने घर में ये एक कड़ा मैच होगा माइकल बंद वापिस आ गए हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और खेलने को तैयार हैं वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं अब बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम वर्ल्ड कप का जुनून देख रहे हैं लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में अब बी सी उर्दू का वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून देख रहे हैं प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद असद ग्रुप बी में क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाली टीमों की बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो अभी इतनी क्लियर नहीं हुई है इंडिया है आयरलैंड है आयरलैंड ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म किया हालाँकि वो एसोसिएट एक नेशन है इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर रही है ग्रुप बी को किस तरह देख रहे हैं आप ये काफ़ी ओपन हो चुका है जो पाकिस्तान का ग्रुप है क्योंकि इसमें अब तकरीबन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ और एक तरह से लग रहा है कि आयरलैंड जो है ये रेस में है पाकिस्तान ने अभी जिम्बाब्वे से खेलना है यूनाइटेड अरब एमरेट से खेलना है साउथ अफ्रीका से खेलना है और आयरलैंड से खेलना है। चार मैचेस बाकी पाकिस्तान के इनमें से कम से कम तीन तो जीतने हैं रेस में रहने के लिए जस्ट एट वन मोर थिंग देखें पाकिस्तान को तो अब हर मैच जो है वो इस तरह से खेलना है कि ये उनका डू और डाई मैच है दे दे हैव टू लुक एट इट दिस वे कि अगर हम हर मैच जीतते हैं देन दे हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग थ्रू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द क्वार्टर फाइनल्स और वंस यू कमिंग टू द क्वार्टर फाइनल इट्स ऑन द डे वाली बात है द टीम दट इज गोइंग टू प्ले वेल ऑन द डे दैट टीम इज गोइंग टू गो थ्रू टू द सेमी फाइनल्स लेकिन टू गेट टू द क्वार्टर फाइनल्स इनका सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि दे हैव टू विन एटलीस्ट थ्री आउट ऑफ द फोर दे ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि उनका जो रेट है बिकॉज अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप में चौदह टीमें हैं और चौदह टीमों में इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एन यू हमारा सबसे बॉट ट इज समबल टू अंडरस्टेंड कि कैसे हुआ और चले अब uh, हो तो गया लेकिन इसको फर्स्ट थिंग मैच ये ना हो कि मैच जीतने के चक्कर में सॉरी uh, ये ना हो कि कहीं वो रन रेट इंप्रूव करने के चक्कर में मैच ना हार फर्स्ट मैच और उनका आखिरी मैच जो है ग्रुप का दैट्स अगेंस्ट आयरलैंड दैट कुड बी ए क्रूशल मैच जिसमें ये डिसाइड होगा

और एक टारगेट आपको मालूम होगा तो उस मैच में आप देखें गो ऑल आउट तो सीखें ये हमारा टारगेट है इस टारगेट से अगर हम जीतते हैं तो हम क्वालिफाई करते हैं मेरे जो बाकी तीन मैच हैं ऑल दे हैव टू डू इज़ टू मेक श्योर दे डोंट गो डाउन इन रन रेट एंड दे गेट द पॉइंट्स पाकिस्तान में बात करते हैं आसफ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने मैच में देखा कि डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई इस क्या इसकी क्या, इसकी क्या वजह है क्या हम एक एक्स्ट्रा बॉलर जो है जो कि परमानेंट बॉलर नहीं है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्या हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए देखिए अगर आप इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की इन एवरी डिपार्टमेंट बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग नंबर ऑफ कैचेस अगर आप देखें सबसे ज़्यादा किसी क्या हमने पाकिस्तान ने किया हुआ है नंबर ऑफ रन जो सबसे ज़्यादा दिए इन हंड्रेड ओवर्स वो हमने और सबसे कम रन जो हंड्रेड ओवर्स में बनाए हैं वो पाकिस्तान ने तो हर डिपार्टमेंट में हमें इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है एंड ये खुद मिसबा ने एडमिट किया है कि हर डिपार्टमेंट में हम बहुत कमज़ोर परफॉर्मेंस दिए हैं सो so फार ऐसा नहीं है कि हम इतने कमज़ोर हैं इट्स नॉट दैट कि वी आर नॉट गुड इनफ टू परफॉर्म सम हाउ आई थिंक द टीम मैनेजमेंट जो है उनको दिस हैज दे दे हैव टू मेक श्योर इंस्टिल इन द प्लेस द कॉन्फिडेंस इट सीम्स दे आर लैकिंग और जो सबसे मुझे ताजुब की बात लगी जब आप ये दूसरे मैचेस देखते हैं तो जिस फ्रीडम से दूसरे प्लेयर्स आकर खेल रहे हैं जिस तरह से उनके ओपनर्स बेशक वो आउट जल्द क्यों ना हो जाए लेकिन दिखने में आता है कि दे, दे आर प्लेइंग विद फ्रीडम और वो फ्रीडम जो है कॉन्फिडेंस से आती है and i think that's what pakistan is lacking at the moment is that relate <coughs> ye experience relate to hai players experience mein hote hain confidence the khelenge uh, not not necessary because ye have nahi keh sakte ki ke hamari team mein uh, experience, experience they are experienced players but yes uh, i think confidence aata hai confidence aata hai performances se. team selection job, aap karein, I, I was really surprised to see west indies ke khilaf aap four specialist bowlers ke ke thi. i think that shows lack of confidence कि आपको अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है दैट्स वाई यू आर पैकिंग योर बैटिंग और उसमें आप एक आ, ऐसे खिलाड़ी से विकेट कीपिंग भी करा रहे हैं जो आपका स्पेशलिस्ट बैट्समैन है स्पेशलिस्ट विकेट कीपर विकेटकीपर विकेट कीपर भी जो है आपका आई थिंक सरफराज जो है हीज़ अ गुड इनफ बैट गुड इनफ बैट तो उनसे आप ओपन भी करा सकते हैं तो वो थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग सिलेक्शन था बट आई थिंक के जो बाकी के मैच हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है इवन इफ यू हैव टू मेक चेंजेज आई थिंक द हैव टू नाओ बिकॉज आप दो चांसेज दिए हैं खिलाड़ियों को और जो बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बॉडी लैंग्वेज उनके जो है वो यू नो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अदर प्लेयर्स ऑल्सो आई थिंक लॉट्स ऑफ चेंजेस हैव टू बी मेड एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड हेजिटेट

और दूसरी टीम जो है वो 300 प्लस स्कोर कर रही हैं इसकी वजह जैसे कि आसिफ नबी का लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर बैटिंग ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है देखिए एक्सपीरियंस का तो जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ मैच में यूनस खान से ओपन करवाया था अब मतलब उनकी भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है अहमद शहजाद की बात करें ज़ाहिर है वो उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं जितने शाहिद अफरीदी हैं या यूनस खान हैं लेकिन अगर दूसरी टीमों के जो ओपनर्स हैं या वन डाउन हैं जो स्टार प्लेयर्स हैं तो तकरीबन उतने ही मैच मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो माइकल क्लार्क की एब्सेंस में कैप्टन जॉर्ज बेली जी थोड़ा ही फ़र्क है कोई आठ दस मैचेस का इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है तो यही सूरत हाल आपको हर जगह नजर आती है तो इसका यही कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस का ही एक इशू है और वो एक वर्ल्ड कप मैच का एक जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है आपको उसमें आना पड़ता है और मतलब आप जिम्बाब्वे या यू जैसी टीमें को देखें मतलब जिम्बावे वेस्ट इंडीज़ से हार गया बट द मेड एन एफर्ट उन्होंने टू हंड्रेड टू फिफ्टी प्लस स्कोर किया फिर उन्होंने यू को उन्होंने चेज डाउन किया टू को उन्होंने किया और यू का इतना स्कोर कर लेना फिर आयरलैंड ने दोनों सेकेंड इनिंग्स में बड़े स्कोर चेज करके किए हैं इस तरह आप अफगानिस्तान का जो स्कॉटलैंड से मैच है एक स्टेज पे देखें अफगानिस्तान की कितनी विकेट्स गिर चुकी थी वो बैटिंग का एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है प्लेयर का कि जो कहता है कि नहीं हम मैच अभी हारे नहीं हैं मतलब आयरलैंड ने जो यूएई के खिलाफ मैच जीता है वो 97 फॉर 4 हो चुके थे एक फाइटिंग स्पिरिट होता है एक एक चीज़ होती है कि नहीं अभी नहीं हमारे हम खेलेंगे द व द विल टू फाइट एंड द विल टू विन आई थिंक बिल्कुल असद जो कह रहे हैं देखिए जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए वो ये है कि देट द थिंक टैंक या टीम मैनेजमेंट जो है देट हैव टू सिट विद द्लेयर्स एंड जस्ट टेल दैम कि दे आर गुड इनाफ उनको कॉन्फिडेंस दिलाना ज़रूरी है अब ऐसा लगता है जब खास तौर पर हमारे जो बैट्समैन है जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो सिचुएशन ये लगती है कि दे आर प्लेंग मोर फॉर देर पोजिशन इन द टीम कि हम इतने रन कर लें कि हम टीम में रहेंगे दैट्स नॉट हाउ यू विन मैच में सब पहले भी जिक्र किया दूसरे टीम टीम जो हैं जिस जिस फ्रीडम से उनके खिलाड़ी बैट करते हैं आई मीन इट वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट आई थिंक अफगानिस्तान ने जो अचीव किया है नाइन्टी सेवन आई थिंक उनके जो बैट्समैन थे अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है शनवारी शायद जिस तरह से उन्होंने खेला आई मीन यू नो ठीक है स्कॉटलैंड इज नॉट वेस्ट इंडीज या स्कॉटलैंड इज नॉट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बट फॉर देम बट फॉर अफगानिस्तान स्कॉटलैंड इज ए बिग टीम वेरी बिग टीम लेकिन जिस कॉन्फिडेंस वो लोग कह रहे थे खेल रहे थे इन इनफैक्ट जो लास्ट बैट्समैन था वेरी गॉट द फोर रन वेरी कॉन्फिडेंटली ही प्लेट दैट शॉट इन वन दैट मैच सो आई थिंक कॉन्फिडेंस सबसे जो एट द मोमेंट जो मुझे इश्यू लग रहा है पाकिस्तान टीम के साथ वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने वाला कैप्टन होता है और टीम मैनेजमेंट होती है जो इंस्टिल करते हैं कॉन्फिडेंस दिलाने में दे आर द रिस्पॉन्सिबल उनका काम होता है टीम में कॉन्फिडेंस दिलाए एंड वो कैसे होता है ऑब्वियसली टीम को तो परफॉर्म करना होता है ख़ुद जाकर व्हेन द स्कोर रन्स व्हेन द टेक विकेट्स दे गेट कॉन्फिडेंट एंड विद डेट कॉन्फिडेंस फिर आपकी फील्डिंग में भी नज़र आता है कि दे डोंट ड्रॉप कैचेस सो फार नो नो वन बैट्समैन इन द पाकिस्तान टीम जो अभी तक मैं दो मैचेस खेले वर्ल्ड कप में ऐसे लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंट हैं अपने खुँ, अपने खुद खुद के अपने क्या कहना चाहिए टैलेंट में आया वो बैट्समैन हो या बोलिंग हो वो दैट इज़ समथिंग विच यू नो वेरी अनफॉर्चुनेट आई फील फील फॉर इट कि हम लोग उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे इसके साथ ही हमारा आज का शो अख्ताम को पहुँचा असद आसिफ प्रोग्राम शरीक का बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट बी पर देख सकते हैं इसके अलावा आपके लिए वहाँ लाइव मैच अपडेट्स और पिक्चर गैलरीज भी मौजूद हैं पाकिस्तान और जिम्बावे के मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए वज़न फायदे को दीजिए।